नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी। और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का, और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात पलट जाने के बाद पार्टी के सामने खड़ी हुई नई अध्यक्ष को ढूंढने की समस्या अब शायद सुलझ गई है। माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत जल्द राहुल गांधी की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इसके बारे में मन बना लिया है और अशोक गहलोत को इसके लिए तैयार रहने को भी कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रपति मोदी सरकार के 5 साल के एजेंडे को देश के सामने रखा। अब इसी के साथ ही संसद का सत्र शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रजातंत्र में किसी की आजादी और निजता को बाधित नहीं किया जा सकता है। प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। गिरवी पर कर्ज देने वाली कंपनी HDFC ने कहा है कि उसने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है और खरीदी गई कंपनी का विलय वह अपनी सहायक इकाई HDFC एग्री जर्नल इंश्योरेंस में करेगी। HDFC ने यह अधिग्रहण अपोलो हॉस्पिटल्स समूह से 1,347 करोड़ रुपए में लिया है। देश व्यापारियों की आशंकाओं को दूर करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो कंपनियां लुभावनी कीमतें रखकर कारोबार करती हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद सुलझाने को लेकर मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अब नया पैंतरा अपनाते हुए कांग्रेस आलाकमान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। उनकी पहली शर्त है कि उन्हें नए बिजली मंत्रालय के साथ साथ पंजाब का डिप्टी CM बनाया जाए। दूसरी शर्त है कि नए मंत्रालय के साथ उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं तीसरी शर्त में उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो उनका पुराना स्थानीय निकाय मंत्रालय एक बार फिर से वापस दे दिया जाए। 4 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370 हवा में ही गायब हो गया था। इस विमान में 239 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये रडार से गायब हो गया। बाद में प्लेन के अवशेष हिंद महासागर में मिले। अब इस मामले में एक मैगजीन ने हैरान कर देने वाले खुलासे करते हुए दावा किया है कि विमान के पायलट जाहिरी अहमद शाह ने जानबूझकर इसे क्रैश किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को राहुल गांधी की जगह कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बीच अब खबर आ रही है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी CM सचिन पायलट प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सदई खोसा ने पाकिस्तान की हालत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तानी इन दिनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीति में और यहां तक कि क्रिकेट जगत तक से केवल निराशाजनक खबरें ही सुन रहे हैं। टीवी ऑन करो तो केवल हार दिखाई देती है। देश को 15 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के जरिए ओलंपिक कोटा दिलाने वाले भारतीय तीरंदाजों के भविष्य पर संकट के बादल गहरा गए हैं। दरअसल वर्ल्ड आर्चरी ने हाल ही में भारतीय तीरंदाजों संघ के 2 गुटों की ओर से कराए गए चुनाव को मान्यता नहीं दी है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 31 जुलाई तक मामला सुलझाकर नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो भारतीय तीरंदाजों से उनके देश के झंडे तले खेलने के अधिकार छीन लिए जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव जीतने पर PM नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया था। उसके बाद 8 जून को एक खत लिखकर दोनों देश के बीच बातचीत का आग्रह भी किया था, जिसका जवाब देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सुधर सकते हैं जब पाकिस्तान चरमपंथ पर ठोस कार्रवाई करके दिखाए। खाद्य संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया को इसे उबारने के लिए दक्षिण कोरिया ने कहा है कि पिछले महीने घोषित किए गए अपने दूसरे सहायक पैकेज में वह विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 50,000 टन चावल उत्तर कोरिया को भेजने की योजना बना रहा है, क्योंकि वह वहां भोजन की कमी को दूर करना और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिसको लेकर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। गन्ना किसानों के प्रति किसी प्रकार की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मिल मालिकों को अगस्त तक 100% गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान करने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से बटा हुआ नजर आया। पीएम के इस बैठक पर कांग्रेस, सपा, बसपा समेत 16 दलों ने जहां बहिष्कार किया, वहीं सीपीआई, एएम, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई विपक्षी दल शामिल होकर अपनी बात रखी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सदन में भी ऐसे ही विपक्ष बटा हुआ नजर आएगा। खादी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों को खादी से बनी हुई ड्रेस बांटने जा रही है। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ सहित 4 जिलों में लागू किया गया है। योजना सफल रही तो इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। योग गुरु रामदेव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने लोगों से छिपकर योग किया, लेकिन उनके वंशजों ने इसे सम्मान नहीं दिया और इसीलिए सत्ता उनसे दूर चली गई है। रामदेव ने कहा कि जो लोग योग करते हैं, भगवान सीधा उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। कर्नाटक को सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर उनके एक विधायक को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी से कहा है कि यह ऑफर करने वाले नेता का नाम बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले नामों का खुलासा नहीं करते हैं तो इसे ऐसे देखा जाएगा जैसे वह अपनी ही पार्टी के विधायकों पर संदेह कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में सड़कों और सरकारी जमीन पर मस्जिदों के तेजी से बढ़ने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही हैं। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक किया था, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सूत्रों से कहा है कि यह विचार फिलहाल संभव नहीं है। एक पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी कहा है कि यह प्रस्ताव जितना उचित है उतना ही अनुचित भी है। तो ये थे मिडडे की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।